आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। यह एक ऐसा यंत्र है जिसने आज की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चाहे दफ्तर का काम हो, स्कूल की पढ़ाई हो या फिर मनोरंजन, कंप्यूटर हर जगह हमारा साथ देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या है? समय के साथ इसके स्वरूप में क्या बदलाव आए हैं? तो चलिए आज हम कंप्यूटर की यात्रा पर निकलते हैं और इसके बारे में रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर का विकास एक आकर्षक यात्रा रही है, जो विशाल मशीनों से शुरू होकर हमारी जेब में फिट होने वाले शक्तिशाली उपकरणों तक पहुंच गई है। इस यात्रा को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और प्रगति के साथ। फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर 1940s to 1950s। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर विशाल मशीनें थीं जो कमरों को भर सकती थीं। ये मशीनें बहुत भारी थीं, जिनका वजन टन में होता था और बिजली की भारी मात्रा की खपत होती थी। इन कंप्यूटरों ने डेटा को संसाधित करने और गणना करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया। वैक्यूम ट्यूब आज के कंप्यूटरों की तुलना में बहुत धीमे थे, आसान गणना में भी मिनट या घंटे लग सकते थे। वैक्यूम ट्यूब अक्सर खराब हो जाते थे, जिससे कंप्यूटर क्रैश हो जाता था। केवल बड़े संगठन और सरकारें ही इन्हें खरीद सकती थीं। ये कमरे जितने बड़े हो सकते थे। वैक्यूम ट्यूब बहुत गर्मी पैदा करते थे, इसलिए उन्हें ठंडा करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती थी। इन्हें चलाने और प्रोग्राम करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। इन कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग गणना, व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता था। इन्होंने कंप्यूटिंग की दुनिया की शुरुआत की, जिससे आज के शक्तिशाली कंप्यूटरों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए आधार तैयार किया, जिसने उन्हें तेज, छोटा और अधिक विश्वसनीय बनाया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भले ही आज के मानकों से कमजोर थे, लेकिन उन्होंने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रास्ता तैयार किया। वे आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के अग्रदूत थे। सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर 1950s to 1960s। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कंप्यूटिंग इतिहास में एक क्रांतिकारी युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैक्यूम ट्यूबों की भारी और अविश्वसनीय प्रौद्योगिकी को कुशल और कॉम्पैक्ट ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित करने के साथ इस युग ने आने वाली अधिक सुलभ और शक्तिशाली मशीनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में ट्रांजिस्टर बहुत छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय थे। इसने कंप्यूटरों को आकार में काफी छोटा कर दिया, जिससे वे अधिक प्रबंधनीय हो गए। इसने प्रसंस्करण गति और दक्षता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की। पहली पीढ़ी में उपयोग की जाने वाली भारी और धीमी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी की जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी ने ले ली। इस नई मेमोरी ने तेज और बेहतर विश्वसनीयता की पेशकश की। मशीन भाषा की जटिलता को कम करते हुए फोर्ट्रान और कोबोल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं ने प्रोग्रामिंग को अधिक सरल और सीखने में आसान बना दिया। साइंटिफिक रिसर्चेस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और व्यवसाय और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटरों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर DEC PDP-1 पहला सफल मिनी कंप्यूटर था, जिसने छोटे व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए कंप्यूटिंग को अधिक सुलभ बनाया। UNIVAC-1 पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका उपयोग 1952 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की गणना के लिए किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के उच्च स्तरीय भाषाओं ने प्रोग्रामिंग को अधिक सुलभ बना दिया, जिससे अधिक लोगों को कंप्यूटर के साथ काम करने में सक्षम बनाया गया। लेकिन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी महंगे थे, मुख्य रूप से बड़े संस्थानों और व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाते थे। फिर भी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटिंग को वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक छोटे समूह से लेकर व्यवसायों, शिक्षा संस्थानों और यहां तक कि व्यक्तियों तक पहुंचा दिया। यह एक क्रांतिकारी युग था, जिसने आधुनिक कंप्यूटरों की नींव रखी और डिजिटल युग की शुरुआत को चिन्हित किया। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1960s to 1970s। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1960s to 1970s ने कंप्यूटिंग को पहले से कहीं अधिक सुलभ और शक्तिशाली बनाकर एक नया युग शुरू किया। एकीकृत सर्किट ICs के आविष्कार ने छोटे, तेज और सस्ते कंप्यूटरों का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। ICs ने कई ट्रांजिस्टर को एक छोटी चिप पर एकीकृत करके कंप्यूटर को पहले की तुलना में बहुत छोटा बना दिया, जिससे उन्हें डेस्कटॉप और यहां तक कि घरों में रखना संभव हो गया। कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर का उपयोग करना पहले की तुलना में बहुत आसान बना दिया। बेसिक और पास्कल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं ने प्रोग्रामिंग को आसान बना दिया,
जिससे अधिक लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। Altair 8800 और Apple II जैसे शुरुआती PCs ने घरों और छोटे व्यवसायों में कंप्यूटिंग लाना शुरू कर दिया। ICs ने गणना और डेटा प्रसंस्करण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे जटिल कार्यों को तेजी से पूरा करना संभव हो गया। ICs के उत्पादन में कम खर्च होने से कंप्यूटर पहले की तुलना में अधिक किफायती हो गए। कंप्यूटर का उपयोग व्यवसायों, शिक्षा संस्थानों, सरकारों और यहां तक कि व्यक्तियों द्वारा व्यापक रूप से किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटिंग को एक विशेषज्ञ उपकरण से एक व्यापक उपकरण में बदल दिया। इसने व्यक्तिगत कंप्यूटरों की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने डिजिटल क्रांति की नींव रखी और हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करना शुरू कर दिया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1970s to 1980s। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटिंग को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, सुलभ और परस्पर जुड़ा हुआ बनाकर एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कार ने व्यक्तिगत कंप्यूटरों PCS को जन्म दिया, जिसने लोगों को उनके डेस्कटॉप पर अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। इसके अलावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और इंटरनेट के उदय ने कंप्यूटर को उपयोग करने में आसान और अधिक सुलभ बना दिया। माइक्रोप्रोसेसर ने एक चिप पर एक पूर्ण CPU को एकीकृत करके कंप्यूटर को छोटा, तेज और अधिक किफायती बना दिया। GUIs ने माउस और आइकन के उपयोग के साथ ग्राफिकल तत्वों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर के साथ बातचीत करना आसान बना दिया। इंटरनेट की शुरुआत होने से इंटरनेट ने दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ा, जिससे जानकारी और संसाधनों का साझाकरण संभव हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और गेम सहित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित किए गए थे। PCs ने कंप्यूटिंग को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया, जिससे घरों, स्कूलों और व्यवसायों में उनका उपयोग आम हो गया। उदाहरण के तौर पर IBM PC 1981 में पेश किया गया पहला व्यापक रूप से लोकप्रिय PC, जिसने PC युग की शुरुआत को चिह्नित किया। Apple Macintosh 1984 में पेश किया गया पहला लोकप्रिय GUI आधारित PC, जिसने कंप्यूटिंग को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया। ARPANET इंटरनेट का अग्रदूत, जिसने 1969 में डेटा पैकेट स्विचिंग का उपयोग करके कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1985 में पेश किया गया एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसने PCS के लिए मानक बन गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटिंग को एक शक्तिशाली उपकरण से एक आवश्यक उपकरण में बदल दिया। PCs, GUIs, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे हम काम करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1990s वर्तमान बुद्धिमान और परस्पर क्रियाशील युग। पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI चिप्स, समानांतर प्रसंस्करण और 5GL प्रोग्रामिंग भाषाओं ने अभूतपूर्व गति और शक्ति प्रदान की है, जिससे कंप्यूटर पहले की तुलना में अधिक जटिल कार्यों को करने में सक्षम हो गए हैं। वॉइस असिस्टेंस, रोबोटिक्स और मानव मशीन इंटरेक्शन में प्रगति ने कंप्यूटर को हमारे जीवन का एक अधिक एकीकृत और सहज हिस्सा बना दिया है। AI मशीनों को सीखने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे कंप्यूटर अधिक मानव जैसे कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI चिप्स एक चिप पर अरबों ट्रांजिस्टर को एकीकृत करते हैं, जिससे अभूतपूर्व प्रसंस्करण शक्ति और गति प्रदान होती है। मल्टीटास्किंग एक ही समय में कई कार्यों को करने के लिए कई प्रोसेसर का उपयोग करता है, जिससे गणना की गति में वृद्धि होती है। 5GL प्रोग्रामिंग भाषाएं समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे प्रोग्रामिंग करना आसान और अधिक सहज हो जाता है। आवाज सक्रिय सहायक जैसे कि सिरी और अलेक्सा हमें अपने उपकरणों को अपनी आवाज से नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। रोबोट अधिक परिष्कृत और सक्षम होते जा रहे हैं, जिससे वे विभिन्न कार्यों में मनुष्यों की सहायता कर सकते हैं। मानव मशीन इंटरेक्शन अधिक सहज और प्राकृतिक होता जा रहा है, जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना अधिक सुखद और उत्पादक हो जाता है। AI और NLP कंप्यूटर को अधिक बुद्धिमान बना रहे हैं, जिससे वे जटिल कार्यों को करने और मानव जैसे निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण IBM Watson
एक एआई संचालित कंप्यूटर प्रणाली जिसने जेपर्डी जैसे गेम शो जीते और चिकित्सा निदान में सहायता प्रदान की। कंप्यूटरों का इतिहास निरंतर विकास और प्रगति की कहानी है। वैक्यूम ट्यूब से लेकर ट्रांजिस्टर तक, एकीकृत सर्किट आईसी से लेकर माइक्रोप्रोसेसरों तक, कंप्यूटर लगातार छोटे, तेज, अधिक शक्तिशाली और उपयोगकर्ता के अनुकूल होते जा रहे हैं। भविष्य में कंप्यूटर क्या रूप हासिल करेंगे यह बताना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित है कि वे हमारे जीवन को प्रभावित करना जारी रखेंगे। आने वाले वर्षों में हम और अधिक बुद्धिमान, जुड़े हुए और सहयोगी कंप्यूटरों की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे जीवन और कार्य करने के तरीके को बदल देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।